कैंट थाने की पुलिस ने चोरी, छिनैती और नकबजनी के वांछित 4 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान मुमताज अहमद उर्फ राजू पुत्र स्वर्गीय शफीक अहमद निवासी निजामपुर गोड़ियाना थाना तिवारीपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी युवक शातिर चोर है। इसके ऊपर पूर्व में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। 4 साल पूर्व हुए चोरी के मामले में फरार चल रहा था, जिसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज उसे पकड़ने में कैंट पुलिस को कामयाबी मिली है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट मनोज कुमार राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक अजीत चतुर्वेदी, कांस्टेबल अभिषेक कुमार राय, धीरज कुमार सिंह, मुन्ना चौरसिया आदि शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, ये 4 वर्ष पहले पांडे पेट्रोल पंप के पास में एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामान गया था। इसमें से 6 मुलजिम प्रकाश में आए थे। इसमें 5 मुलजिम गिरफ्तार हो गए थे। अधिकतर सामान भी बरामद हो गया था। 1 मुलजिम बाकी था, जिसके खिलाफ NBW 82 और 83 का भी आदेश प्राप्त हो गया था। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। यह मुलजिम मुमताज नाम का था, जो तिवारीपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। आज थाना कैंट की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है और जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल, इस पर 2-3 मुकदमे और भी लिखे हुए हैं। इस पर एक लूट का भी मुकदमा है, चोरी का मुकदमा है, काफ़ी शातिर था। एक NDPS का भी मुकदमा इसके ऊपर पंजीकृत है और सभी मुकदमों में गायब था। आज ये हुआ है। बाकी जहाँ जहाँ मुकदमे पंजीकृत हैं उन थाना अधीक्षकों को बताया गया है और वो रिमांड लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई को सब सुनिश्चित करेंगे।